अस्सलाम वालेकुम। डे थ्री जैज स्टेबल प्रीमियर लीग, नया चेहरा हमारे साथ तैमूर मिर्जा, कोई आउट कर चुके हैं दो दफा, इन्होंने वीडियो दिखाई मुझे, मैं भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। इसने नहीं बोला था गाड़ी में आते, इसने बोला था गाड़ी में तैमूर मिर्जा को हमने मैंने आउट किया है, पीछे खड़ा वीडियो दिखाई, अनलेस पीछे ही ना तैमूर मिर्जा प्रैक्टिस कर रहा है अभी। देखो तैमूर भाई मुझे पहचान लेंगे यार, अम्मा तुमने उस दिन बड़ा बैड सीन किया था मेरे साथ। खैर डे थ्री है, आज देखते हैं क्या सीन है। आज तैमूर मिर्जा की टीम का पहला मैच है, आज तीन मैचेस हैं, आज मैच कम है बिकॉज आज से स्टार्ट हो जाएंगे क्वालिफायर्स। आज आए हम थोड़ा सा जल्दी, तो हमारे साथ कप्तान मौजूद हैं। कप्तान और आज कप्तान ना कर आए, चलो बॉल आ गई भाई। लाइट वेट बल्ले से डीप बॉल होती है, ये इतना मोटा तो बैट कितने तक के होते हैं? ये 15 का है तकरीबन, ये 14,000 रुपए का ये वाला बैट, तो 14 से 16,000 रुपए का ये वाला है। मैं लग रहा हूँ लेफ्टी तैमूर मिर्जा वाली भाई भाई। नहीं नहीं टांगे छोटी करो और हाँ अब आइए ना। बैटिंग पावर हाउस है वो, इसको जो है वो चेस कर सकता है। पहला क्वालिफाइंग राउंड सारी बॉल्स यूज होती है, इसका टॉस जीता शेरवानी स्पोर्ट्स ने और टॉस जीतने के बाद पहले खोजा बैटिंग करने का फैसला किया। आराम से तकरीबन 20 बॉल्स तो अभी हैं, अभी रखी होंगी, इससे ज्यादा ही रखी होंगी, 20 से ज्यादा है। मैंने ये दो दर्जन बॉल है ये, और बॉल की क्वालिटी अच्छा, ये 24 नहीं बोल सकता था, इसने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइन करना था, ऊपर से आ जाए ना सही है। और मुंह से आवाज नहीं निकली, बॉल पिलाएंगे ये देखो कवर पे गाया है। मान क्या बात है, फिंगर करो आराम से, फिंगर करो पहली बार 10 साल में 15 साल में टेप बॉल का बैट पकड़ा है, शॉट यार टेप बॉल ने भी कवर रहा है, टेप बॉल ने भी हार्ड बॉल के शॉट खेला है, कौन है ये लड़का? ये है शेरवानी स्पोर्ट्स और ये है असद शाह और तैमूर मिर्जा वाली टीम सी स्पोर्ट्स। अगर आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में, अगर आप कहीं दोस्त आ रहे हैं, अगर आप लोग कहीं दोस्त घूमने जाए ना, तो भाई मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले फोन अपने कलेक्ट करके एक तरफ रख देगा ताकि आप सुकून से बातें कर सके। अभी फोन छोड़ा था 2 मिनट इस तरह कैच पकड़ना है भाई, आप लोग तैयार हो शुक्रिया। और हमारे आज के मेहमान ये रेडी हो गए, यहाँ फाइन लेग पे नहीं आएगा कैच, आ जाएगा बाउंसर ने मेरी चापे देख ली थी। मैच में अभी मजा नहीं आ रहा भाई, क्योंकि टीएम और असद की बैटिंग है सेकंड इनिंग, एक टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसा नहीं लग रहा है, एक टीम में असद शाह भी है, तैमूर मिर्जा भी है, जहीर कालिया भी है, छोटा विक्की भी है, सारे एक साइड हो गया ऐसा लग रहा है। सिर्फ हाथ सेट होने के लिए कुछ मैच लगेंगे, 2-3 मैच लगेंगे। फुल टॉस, धोनी की बॉल निकाला असद जहीर ने, जीतने वाली टीम फाइनल में, सही है ना, अच्छी बात। शॉट, इमरान खान, ये कैच हो सकता है, नहीं हुआ। भाई गाड़ी देखो अपनी मेहरान जैसी, अपनी गाड़ी ले आया मार, अगर अपनी गाड़ी ले आया तुम जितने पैसे बोलो मैं दे दूंगा, ये ला ही नहीं सकता, मेरिट पे ओ मेरिट पे खाना खाएंगे मेरिट पे। हवा में शॉट
शॉट गया था उसी बाद इसने बोल दिया नहीं पकड़ नहीं पकड़ेगा क्योंकि पता है बहुत हाई था। दूसरी चीज ये गैस वाली बॉल होती है हवा में ऐसे झूम रही होती है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। गैस बॉल हो जो भी टेनिस बॉल जो है ना हमें बहुत हिलती है। जैसे शॉट यार तैमूर मिर्जा का छठी बॉल पे छठा छक्का है ये। हाँ नहीं नहीं छठी सातवीं बॉल पे छह छक्के सात बॉल पे छह छक्के की भाई हो गई 50 यार। क्या फिल्डर पकड़ पाएंगे छक्का हो गया भाई छक्का हो गया। अरे तैमूर भाई खुद हो गया यार अरे शयान भाई कैसी बैटिंग कैसी करी इसने अभी कोई 60-70 रन बना दिए और 9 बॉल पे मुश्किल चल। अब थोड़ा समझ गए आप समझ सकते हो आसान बाहर से टाइमिंग लगी थी खासतौर से लोअर यॉर्कर को जो आप उठाए इतना ही इजी हमेशा से ऐसे ही मारते रहे या खेल खेल के एक्सपीरियंस के साथ इतना नहीं नहीं बाहर से इजी लगते हैं यार बस बड़े मैचेज होते हैं हमारी यही कोशिश होती है कि अच्छे खेलें और इस पर प्रैक्टिस है बस प्रैक्टिस अपनी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नियत हमारी साफ रहती है किसी को बुरा सोचते नहीं है इस बस अल्लाह पाक इज्जत देते हैं बस ये हमारी कराची बॉय बस आप दुआएं लोगों का प्यार है लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी इतना क्राउड आया हुआ है हमें सपोर्ट कर रहे हैं बस उनकी दुआओं की बदौलत सब चल रहा है। ज़्यादा की चीज़ पावर है या टाइम ये तो खासतौर से नीचे के जो छक्के मारने वो ज़्यादा पेस वाला बोल जो होता है तो वो खेलना ज़्यादा ईजी होता है जो पेस वो उसको फिर मिलाना ही पड़ता है उसको फिर थोड़े आई सेट होते हैं रख के मिलाना पड़ता है। सीमेंट पे ज़्यादा ईजी हो जाता है या टर्फ पे ज़्यादा ईजी होता है यार ईजी तो कहीं पे भी नहीं होता बस ये कि जब लग रहे हो फिर हर जगह ईजी रख जब आई सेट हो गई तो फिर मैं सोच रहा हूँ ये टेप बॉल में ऐसे ऐसे नाम रखे हम भी नाम रख दे उज़ैफा ज़ुल्फ़ी शयान कुल्फी अमार चापे अमार ज़ुल्फ़ी बाहर बाहर शॉट यार बताएगा क्या करा इसने बैठे बैठे। अबे यार देखो पूरा प्रोटेक्टर निकाल दिया मोबाइल प्रोटेक्टर मैंने उतार दिया लेकिन इसका मोबाइल अब साफ सुथरा लग रहा है प्रोटेक्टर तो तुमने बैठे बैठे क्यों उतार दिया आपसे चिपका दूं आपसे क्या चिपका दूं मैं पसीने से रगड़ूंगा इसको साफ साफ अच्छे से पसीने में यूं चिपका दूंगा। अबे यार निशान पड़ रहा है तुमने फोन दिया क्यों से यार मुझे थोड़ी मतलब यहाँ रखा हुआ था यार में कीड़ा है ये सीनियर प्लेयर की बुराई करता है तो इसके साथ होगा यही ये चार दफा जिब्रान भाई को बोल चुका था उनकी राल यहाँ से टपक रही है यहाँ से राल टपक रही है। तुम इधर आओ और एक बात बताओ तुमने क्यों इसका प्रोटेक्टर बैठे बैठे निकाला यार मुझे बुरा लग रहा था इसका फोन ना गंदा लग रहा था हमें तो तुम भी बुरे लगते हो हम तुम्हें नहीं हटाते यहाँ क्या बोलूंगा लड़के अपनी आप और तैमूर भाई ओपन कर लो नहीं यार फिर तैमूर मिर्जा और मिर्जा अमार तो मतलब फिर आवाम चिल्ला नहीं पाएगी सही से टीएम आवाज दे या एमए आवाज दे तुम उसको शैडो ना कर दो ये भी तो मसला है तुम्हारा स्टारडम तुम्हारी बैटिंग वो आके फंस जाएगा। बात तो सही है तैमूर मिर्जा ने व्लॉग दे दिया ना कसम से बोलेगा इन दोनों को लेके आऊंगा। डे 3 हो गया है रैप अप कल मिलते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के साथ मेरे अमार और कप्तान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। भाई डार्क थंडर का बैटिंग ऑर्डर है शायान भाई तैमूर भाई ओपन वन डाउन असद शाह सेकंड डाउन अमार शाह अमार नहीं आ रहा अमार नहीं है उज़ैफा शाह उज़ैफा शाह थर्ड डाउन कौन है फिर छोटा विक्की अच्छा फोर्थ डाउन कारी हमीदुल्ला फिफ्थ डाउन जिब्रान भाई चब्बू एंडरसन छठे डाउन पे तो भेज दो ना यार इसको छठे डाउन कौन है जोरैन मोइन जुबैर को टीम में नहीं रखा तुमने चलो मोइन सेवंथ एट पे जुबैर नाइन्थ पे अमार अहमद रजा जहीर कालिया 10 9 पे जहीर कालिया
कासिम ग्यारहवा हो गया। तुम कहो जबरान भाई।